ग्वारा में समाजी सेवियों ने ठंड को देखते हुए छतरपुर जिले के तहसील ग्वारा नगर में गरीब परिवारों के बीच गर्म कपड़े बांटे। समाजी सेवियों ने कहा कि असहाय लोगों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है, जन सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि आगे भी जितना हो सकेगा लोगों की सेवा में योगदान देता रहूंगा, लोगों की सेवा करना जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस बार की सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों के छात्र छात्राओं की हालत खराब है, तो ऐसे में सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होगी। इसी दर्द को समझते हुए समाजी सेवियों ने नगर पालिका ग्वारा तहसील थाना ग्वारा थाना चौकी में रखी और सभी इस बात पर सहमत भी हुए। समाजी सेवियों को दिए सभी के पैसे को लेकर गर्म कपड़ों की खरीदारी करके गरीबों के बीच वितरण किए गए। वहीं ये कार्यक्रम ग्वारा की हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें, अगर पढ़ाई करने में कोई समस्याएं या कोई बाधा आती है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं, चाहे वो किताबों की हो या कपड़ों की या कोई फीस की समस्या हो, सभी पढ़ाई से संबंधित हर सामग्री और आपकी जरूरतों को हम सभी मिलकर पूरी करेंगे। आज बिल्कुल सामान्य कार्यक्रम था, पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। यहाँ के जागरूक लोगों के द्वारा अभी जो बहुत तेज ठंड अभी बीच में हुई है, तो ऐसे बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको गर्म कपड़ों का वितरण किया गया है। मैं जानता हूँ ग्वारा के जो भी हमारे संभ्रांत जन हैं और सहयोगी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार के सामाजिक सद्भाव और समाज सेवा के इस प्रकार के काम यदि होते रहें तो निश्चित रूप से समाज को सीखने का मौका भी मिलता है और आगे बच्चों को काम करने का मौका भी मिलता है। आज के अवसर पर यहाँ पर जो गर्म कपड़े वितरण किए गए हैं, मैं पूरे समाज सेवियों को, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को और स्कूल के सभी स्टाफ को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे समय में आप लोगों ने ये गर्म कपड़े वितरण का काम किया। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।